हेलो बच्चों, अब हमारा एक नया टॉपिक है Ex-11.2 का है। टॉपिक क्या है? कंस्ट्रक्टिंग अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब हमें क्या करना है बेटा? टेंजेंट्स बनानी है। देखो क्वेश्चन नंबर वन क्या है हमारा Ex-11.2 का, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। वो क्या कहते हैं, एक सर्कल बनाओ जिसका रेडियस हो 6 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, एक पॉइंट लो जो कि कितनी दूर हो, 10 सेंटीमीटर दूर हो। कहाँ से? सेंटर से। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। और क्या करो, एक टेंजेंट बनाओ उस 10 सेंटीमीटर वाले पॉइंट से और उसकी लेंथ मेजर करो। बिफोर आई स्टार्ट, पहले मैं आपको ये बताता हूँ टेंजेंट्स बनानी कैसी होती है। हमें मान लो एक सर्कल है और उसका सेंटर है। अब इसके सेंटर से कुछ दूरी पर हमें पॉइंट दिया होगा। आपने करना क्या है, पहले ये जो पॉइंट दिया हुआ है और ये सेंटर, जिसके आपने जिस सर्कल के आपने सेंटर पर टेंजेंट बनानी है उसको उस पॉइंट से ज्वाइन करो, यानी ये। उसके बाद इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करो। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जहां पर ये कट हुआ, इसने इस लाइन को कट करा, आप एक सर्कल ड्रॉ कर दो। कितने रेडियस का? इतने रेडियस का, मतलब हाफ का। जहां पर ये कट करेंगे ये आपके टेंजेंट्स वाले पॉइंट आ जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब क्वेश्चन करते हैं कैसे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन दोबारा रीड करते हैं। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है और फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर, और पॉइंट जो लेना है 10 सेंटीमीटर दूर लेना है सेंटर से। सिक्स सेंटीमीटर का सर्कल, ये 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल हो गया। अब इसके सेंटर से मेरे को कितनी दूर पर पॉइंट लेना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर तक, यानी ये सेंटर। और ये पॉइंट 10 सेंटीमीटर, ये मैंने लिया। इस सेंटर को पहले मैं नाम देता हूं लेटेस्ट से ओ। अब क्या मैंने बोला था, क्या करो, इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दो। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट के ऐसे करते हैं, हाफ से ज्यादा खोला ऑलरेडी मैं देखो तो मेरा 6 सेंटीमीटर, यानी हाफ से ज्यादा खुला ही हुआ है। एक आर्क यहां से, एक आर्क यहां से, क्योंकि स्पेशली कोई आर्क लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहां से भी यही काम करूंगा। अगर आप इसमें हल्का सा कंफ्यूज हो गए हो तो मैं आपको पहले बता दूं मैंने क्या करा। यहां पर ये लाइन ली और इसका हाफ से ज्यादा आर्क लगा दी यहां से और यहां से, क्योंकि मैंने हाफ से ज्यादा मेरा खुला हुआ था तो मेरे को स्पेशल आर्क लगाने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी वो कवर अप हो गई थी। फिर यहां से लगाई और ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गई। अब इसको ज्वाइन करा, अब हमने क्या करना है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट है इससे कंपास खोलना है, कितने रेडियस तक का, इस लाइन के एक एंड तक का, और एक हम क्या कर देंगे, फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब जहां पर ये दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट हुए, जहां पर ये दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट हुए, ये आपका टेंजेंट बना देंगे। मैं पॉइंट्स की नेम देता हूं, लेट्स से पॉइंट का नाम है पी, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी।